बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर गरुड़ के विजुला क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य इंदिरा परिहार ने मोटर मार्गों का काम पूरा नहीं होने से विभाग और प्रशासन पर आक्रोश जताया है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य इंदिरा परिहार ने कहा कि प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई मोटर मार्गों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में अब उन्होंने प्रशासन से जल्द ही मामले का संज्ञान लेकर समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। जिला पंचायत भवन में हमें धरना देते हुए कम से कम 72 दिन हो गए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं या अन्य जो जनता, सभी को अनेकों समस्याएं हैं या क्षेत्रों से फोन आते हैं कि मैडम हमारे वहाँ ये समस्या है और ये समस्या है। और जितने दिन मैं आज तक यहाँ आंदोलन में बैठ चुकी हूँ, सबसे ज़्यादा जो फोन आए हैं हमारे लिए जो समाधान के लिए जो कार्य हमारे पास आए हैं वो हैं सड़कों के मामले के। जो रोड जो इन लोगों ने मतलब जो शासन द्वारा घोषणाएं की जाती हैं और प्रशासन द्वारा जो इसमें पूरा संज्ञान में लिया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि लोगों की समस्याएं इन सड़कों से ज़्यादा वो हो रही हैं। बागेश्वर में विधानसभा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को पोलिंग बूथों पर दी जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई। वहीं उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं और वैक्सीनेशन में आ रही परेशानियों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने निर्देश देते हुए सभी बूथों पर पेयजल, शौचालय और बिजली व्यवस्था की जाने की बात कही। इस दौरान डीएम ने चलने में असमर्थ दिव्यांगों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए डोली व्यवस्था कराने की बात कही है। आज हमने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी फॉर एक्सेसिबल इलेक्टर्स, इसकी हमने जो जनपद स्तरीय कमेटी है उसकी बैठक करी, जिसमें हमारे साथ CDO, ADM और सारे SDM और समाज कल्याण विभाग, ये सारे विभाग भी इसमें होते हैं। इसमें बैठक में हमने जितने भी हमारे दिव्यांग वोटर्स हैं और 80+ वोटर्स हैं, उसकी मैपिंग हमें पोलिंग स्टेशन वाइज करनी है। तो ऑलरेडी वो एक मैपिंग हम लोग कर चुके हैं, लेकिन उसका सत्यापन पुनः हमने करवाया था। बागेश्वर मंडल सेरा में भागीरथी और बाईपास सड़क के खस्ताहाल होने से कई सड़क दुर्घटनाओं के सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से नालियां न होने की वजह से सड़कों में जलभराव हो गया है, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि विभाग की ओर से कच्ची नालियां बनाने की तैयारियां की जा रही हैं और सड़क किनारे हो रही झाड़ियों का भी विभाग की ओर से कटान किया जाएगा, लेकिन सड़क के नव निर्माण को लेकर कुछ खासा बयान विभाग की तरफ से नहीं आया है। सड़क में तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिस कारण यहाँ पे ये एक तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, जिससे मतलब दुर्घटना का बहुत खतरा रहता है। और यहाँ पे पैदल चलने वाले जितने भी मतलब ग्रामवासी हैं और बाइक वाले भी बहुत से यहाँ पे बहुत बार गिर चुके हैं, जिससे मतलब हमेशा भय बना रहता है हम लोग। समस्या है यहाँ, नाले भी जब से बने तब से नाले भी बंद हैं, तो पानी की परेशानी है, चीज़ की परेशानी है, मच्छर हो जाते हैं, पानी जमा रहता है। कभी झाड़ियाँ भी उसमें ज़्यादा हो गई है, तो अभी मौसम जो है हमारा खत्म हो जाता है, तो फिर हम लोग झाड़ियाँ करवा देंगे उसमें। बागेश्वर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से माँ उमा हाई स्कूल कपकोट में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 25 बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकारी GS फर्तियाल ने बच्चों को आज़ादी का महत्व बताया। साथ ही प्रधानाचार्य गंगा सिंह भसेड़ा ने विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पिथौरागढ़ द्वारा माँ उमा विद्या मंदिर हाई स्कूल कपकोट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 बच्चों ने भाग लिया और हमारे जो है महापुरुष आज़ादी के नायकों का उन्होंने किरदार निभाया।
बागेश्वर में जिलाधिकारी से नाराज होकर धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की गई थी उसी अधिकारी से जांच के बारे में सलाह लेकर उन्हें जांच रिपोर्ट भेज दी गई, जिसको लेकर आज जिला पंचायत सदस्य समेत जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीएम कार्यालय पहुंचे और 17 सितम्बर से आमरण अनशन में बैठने का ऐलान किया गया है। जिला प्रशासन आज इतना डरा हुआ है सत्ता के दबाव में। कल हमारे माननीय उपाध्याय जी के नेतृत्व में माननीय सदस्यों ने जिलाधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को चेताया था कि यदि हमारी जांचों को अगर निश्चित तौर पर टाइम से पूरा नहीं किया और ये बैठक बगैर माननीय सदस्यों के सामंजस्य बैठाए बगैर करा तो 17 तारीख से हम लोग आंदोलन आमरण अनशन करेंगे। तो एक डर का माहौल ऐसा था कि जिलाधिकारी जी ने एडीएम के स्वहस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से हमें जांच सौंपी। जांच में हमने विषय रखे थे कि जिला पंचायत की मुखिया बसंती देव जी और अपर मुख्य अधिकारी इस जिला पंचायत में अनियमितता बरत रहे हैं, जिसमें 5 हमारी महिला सदस्य भी है। वो करीब 2 महीने से अधिक हो गया उनको यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं और अब उनका ये एक विचार है कि वह ये 16 तारीख 17 तारीख से आमरण अनशन करेंगे। तो ये बड़ा दुखदाई है क्योंकि ये लोग हमारे निर्वाचित सदस्यगण हैं और यही लोग धरने पर बैठेंगे, यही आमरण अनशन करेंगे, तो हम विकास के लिए किससे कहेंगे। बागेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले हवन कर भाजपा कार्यालय में मनाया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज ओली ने बताया कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन मनाया गया है। वहीं इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा संगठन समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यज्ञ को आहुति दी और मिष्ठान बांटकर जन्मदिन मनाया। सर्वप्रथम तो मैं आज अपने प्रदेश के प्रधान सेवक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मोत्सव पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बाबा बागनाथ जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य के साथ साथ उनकी लंबी उम्र की कामना बाबा बागनाथ जी से करता हूँ। आज के दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर उनके जन्मोत्सव पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कहीं फल वितरण तो कहीं हवन यज्ञ आज के दिन युवा मोर्चा कर रहा है। उसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद बागेश्वर के द्वारा भी आज हम लोगों ने यहाँ पर अपने जनपद के मुख्यालय में हम लोगों ने हवन यज्ञ किया है। बागेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा और समर्पण अभियान के लिए जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन का काम ही निरंतर सेवा करते रहना है। वहीं कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजेंद्र सिंह परिहार और सुरेश कांडपाल की ओर से किया गया। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।